हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगा आपको जिसकी मदद से आप बिना किसी हिंदी फॉन्ट को सीखे हुए आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो अपनी किसी भी कंप्यूटर में बिना किसी परेशानी के। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि ये जो फॉन्ट होते हैं इनको सीखे बगैर हम हिंदी की टाइपिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा। हे गाइस, मेरा नाम है संदीप और वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, इस चैनल पे सिर्फ टेक रिलेटेड कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड सॉफ्टवेयर्स और जो एप्लीकेशंस होते हैं और इंटरनेट होता है उनके रिलेटिव ही बात की जाती है। उनको गाइस, अगर आपको भी इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर कुछ सीखने के लिए मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना जिससे कि बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को सीख सकें। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पर पहुँच जाएंगे जहाँ मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है जो कि एक जिप फाइल है। तो आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करके इसे सीधा डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा गाइज, आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसे सो इन फोल्डर कर लेते हैं और सो इन फोल्डर करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे और इसे हम कर लेंगे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद विंडोज़ एक्सप्लोरर। गाइस, ये एक जिप फाइल है तो ये बिना 7-zip या फिर विनरार एक्सप्लोरर के अलावा ये ओपन नहीं होती कहीं भी। तो अगर ये जो दोनों सॉफ्टवेयर में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप विंडोज़ की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर की मदद से आप इसे ओपन कर लीजिए जैसे अभी मैंने किया। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन विद विंडोज़ एक्सप्लोरर करेंगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसे कर लेते हैं ओपन और ये जो सॉफ्टवेयर है आपको ये इंस्टॉल करना है तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए ओपन करके। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे उसके बाद आपके पास सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपली आप इसे यस कर दीजिए और यस करने के बाद आप देख पाएंगे कि स्क्रीन पे ये इंस्टॉल होने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा है। तो जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आ चुका है ये, तो यहाँ से हम कर देंगे फिनिश और फिनिश करने के बाद क्या करना है, आप देख पाएंगे कि ये दोबारा से इंस्टॉल हो रहा है। और दोबारा से क्या इस वजह से इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दो लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं तो इसलिए ये दो बार इंस्टॉल होता है। तो इसमें आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा ऑप्शन आपके सामने आया है यस का, इसे कर देंगे यस। उसके बाद यहाँ से ये दोबारा से इंस्टॉल होने लगेगा। गाइस, आप देख सकते हो ये दोबारा से इंस्टॉल हो रहा है और उसके बाद कर देंगे हम इसे फिनिश। तो गाइस, आप देख सकते हो ये वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है ये आपका फिनिश हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड ओपन कर लिया मैंने और गाइस, यदि हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो अब वो आपका सब कुछ हिंदी में और इंग्लिश में कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अब गाइस, नीचे देखिए टास्क बार पे ENG का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी एक आइकन आ रहा है टाइम एंड डेट के बगल में। तो हम इस पर करेंगे क्लिक। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पॉपअप आ जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर दो लैंग्वेज हमें दिखाई दे रही हैं, एक है इंग्लिश एक है हिंदी। तो जब हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके रखेंगे तो हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका इंग्लिश में लिखा जाएगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ये चीज़। तो अब गाइस, आप देख सकते हो ये सब कुछ इंग्लिश में लिख रहा है। और अब इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर ली और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो कि हमारा फॉन्ट छोटा हो गया है। तो इस फॉन्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे तो वो सब कुछ हमारा हिंदी में लिखा जाएगा। वो कैसे आपको दिखा देता हूँ। ये आपका, आप देख सकते हो हिंदी में लिखा जा, इंग्लिश में लिखा जा रहा है अभी। और गाइस, आप देख सकते हो एक बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है जिसमें हमारी हिंदी को सिलेक्ट करने के ऑप्शन भी आ रहे हैं। जैसे आपकी मीनिंग है उसके हिसाब से जो आपका सही हिंदी का जो सही शब्द निकल के आए आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सीधा एंटर करके आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ
आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लिख रहा हूँ, जैसे हम किसी भी मैसेज में टाइप करते हैं उस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम एंटर करेंगे हिंदी में बदल जाएगा। यहाँ पे आपने देखा गाइस कि यहाँ पे मैंने जैसे ही लाइक लिखा तो यहाँ पर लाइक की जगह पे लिखें हो गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो आप दूसरा। आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी मीनिंग के हिसाब से अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे लिए सही है तो हम इसे चूज़ कर लेंगे, एक बार क्लिक करके लाइक करें। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में सब इंग्लिश में टाइपिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे सब कुछ हमारा हिंदी में लिखा जा रहा है। और गाइस अगर ये आपको यहाँ पे दोबारा से इंग्लिश में लिखना है तो आप दोबारा से यहीं पे आएंगे और यहाँ पे आप आएंगे, आने के बाद आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो बिना किसी फॉन्ट की मदद के। तो गाइस देखा आपने हमने कितनी आसानी से बिना किसी फॉन्ट को सीखे हुए हिंदी टाइपिंग कर ली हमने अपने कंप्यूटर में। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी इस ट्रिक को अपनाएं और सीख पाएं कैसे हम हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं बिना किसी फॉन्ट को सीखे हुए। और गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, मैं वहाँ पर भी डेली अपडेट डालता रहता हूँ। कि गाइस मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।